पता है सबसे कॉमन कमेंट क्या है आजकल? रणवीर, आजकल आप क्रिप्सी नहीं बोलते हो। कुछ क्रिप्सी बनाऊंगा तो क्रिप्सी बोलूंगा ना। अच्छा लो, क्रिप्सी बनाने का मौका नहीं मिल रहा तो हमने आज मौका ढूंढ लिया जी। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं क्रिप्सी, वेजिटेबल वेज क्रिप्सी। बहुत एकदम झनकार वाला आइटम है, एकदम झनझनाहट वाला, झनझनित करने वाला आइटम, मज़ा आएगा आपको। म्यूज़िक के उस पार मिलते हैं, तब तक मैं कर लेता हूँ अपनी तैयारी। बाकी क्रिप्सी होने के लिए हो जाइए रेडी एकदम। कॉलिंग एंड एक्शन। तो वेजिटेबल क्रिप्सी बनाने के लिए आपको चाहिए वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल वो लीजिए जिनमें कि पानी कम हो, जैसे टमाटर को क्रिप्सी करने की कोशिश मत कीजिए, शिमला मिर्च को भी क्रिप्सी करने की कोशिश मत कीजिए। क्रिप्सी करिए उस वेजिटेबल को जिसमें पानी कम हो, ताकि वो सच में क्रिप्सी हो जाए, ठीक। पानी और क्रिप्सी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। आज मैंने अपनी पुरानी रेसिपीज देख रहा था, तो ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसा था, मेरी आदत आप लोगों ने ख़राब कर दी है। पहले हमारी रेसिपी 8-8 मिनट में ख़त्म हो जाती थी, फिर हमने एक रेसिपी निकाली निहारी की जिसने लगा 16 मिनट। आपने मतलब निहारी को ऐसे मिलियन व्यूज़ दे दिए, मेरे को लगा ठीक है, मुझे लगा ठीक है भाई, जो मतलब अगर लोग देख रहे हैं तो रणवीर दिखाना चाहिए ना। उस दिन से मैं हो गया बेशरम। लेकिन आज ये रेसिपी जो है इसको हम 10 मिनट के नीचे नीचे ख़त्म कर देंगे, सोच के आया हूँ मैं। इंस्पायर्ड हूँ मैं, इंस्पायर्ड नहीं, सच में कर देंगे इसको, चाहे मुझे खुद एडिट करना पड़े, ठीक है जी। तो ये वेज क्रिस्पी बनाने के लिए आपको चाहिए वेजिटेबल, जिस मर्जी शेप में काट लीजिए। एक्चुअली ज़्यादातर अगर आप देखें रेस्टोरेंट में तो ऐसे डाइस वाइस करके मिलती है, पकोड़े से बनाए होते हैं। मैंने कहा यार रणवीर बरार तू आएगा कैमरे पे सज धज के, नई शर्ट नई पैंट देखी आपने, है नई पैंट पहन के आएगा और फिर ऐसे पकोड़े से बना देगा तो ठीक नहीं है ना। तो मैंने कहा थोड़ी डिफरेंट कर ले, जिस तरह तेरी पैंट पे स्ट्राइप्स हैं वैसे अपनी सब्जी भी लंबी लंबी काट ले। क्या आलू पड़े हैं, आलू भी ले लेता हूँ। और इस सब्जी के साथ आप दो चीज़ें कर सकते हैं, इसको आप चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं, चाहें तो कच्चा भी रख सकते हैं, और चाहें तो हल्का सा ब्लांच भी कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। देखो गाजर काटता हूँ तो खाता हूँ, आप सबको पता ही है, मेरे आँखों में चश्मा ना लगने का कारण ये है कि जब भी मैं गाजर काटता हूँ थोड़ी थोड़ी खाता रहता हूँ, विटामिन आते रहते हैं। पानी मेरे को मूड नहीं था पहले बॉयल करने का, मैंने कर लेता हूँ। उससे क्या होगा ना, सब्जी जो है एकदम से गर्म हो जाएगी, फिर हम उसको फटाफट से ड्राई टॉस कर सकते हैं। ड्राई टॉस यानी कि गर्म गर्म सब्जी जो है वो ड्राई कॉर्न स्टार्च या ड्राई फ्लावर जल्दी पकड़ती है, तो कोटिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैदा प्लस कॉर्न स्टार्च प्लस खाने का सोडा, अगर आप खाने का सोडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते आप पीने का सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना पीना जो है वो एक समान। अगर आप वो हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर सोडा जो होता है उससे बैटर बनाएंगे तो खाने का सोडा डालने की ज़रूरत नहीं, उसमें अपने आप राइज आ जाएगा सोडे की वजह से। यह है जी अरारूट उर्फ कॉर्न स्टार्च। क्रिप्सी मतलब अरारूट, मैदा, ये ज़रूरी है। सिर्फ कॉर्न स्टार्च पे कुछ होता नहीं है, कॉर्न स्टार्च में बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए 4 से 5 भाग कॉर्न स्टार्च और 1 भाग मैदा ज़रूर डालें। उसके बाद ये है जी नमक। अब जी पानी, और पानी एकदम चिल्ड, हाँ पानी के साथ में थोड़ा विनेगर, विनेगर बिल्कुल थोड़ा। विनेगर से दो काम होंगे, एक तो अपना सोडा एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा विनेगर डालने से जो जो स्टार्चेस हैं उनका ब्रेकडाउन होता है तो क्रिस्पीनेस बढ़ती है। इतना गाढ़ा बैटर है, और मैदा ज़्यादा नहीं करना, मैदे का काम सिर्फ बाइंडिंग देना है, मज़ा कॉर्न स्टार्च का ही है। और इसको अभी ढलने देना है, बिल्कुल भी सोडा अभी इसके अंदर नहीं डालना है, अभी सोडा डालेंगे सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अभी सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है, कम से कम 10 मिनट के लिए, ज़्यादा के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगेन मैदे में ढलाई और ज़िंदगी में भलाई बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए इसकी ढलाई होनी चाहिए। थोड़ी गाजर मैंने और खा ली, सोचना पड़ता है ना अपनी आई साइड के बारे में। जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं वो पहले और नरम वेजिटेबल बाद में, और इसको उबाल उबाल के भरता नहीं बनाना, इसका बस मोहब्बत करवानी है, पानी से बस ऐसे मोहब्बत करवानी है।
हल्का सा पानी से मोहब्बत हो जाए, मतलब 50% कुकिंग हो जाए, तब निकाल लेंगे। बाकी फिर फ्राइंग भी होगी ना। ब्यूटीफुल, ख़त्म। मैं बोल रहा हूँ ये 8 मिनट में रेसिपी उड़ जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगा ही नहीं मैं। मैं आपको बताऊँगा भी नहीं कि कॉर्न स्टार्च की इजाद कहाँ से हुई, कॉर्न स्टार्च बनता कैसे, कॉर्न स्टार्च और एरोरूट में क्या फ़र्क होता है, और कौन से सब्स्टिट्यूट्स हैं कॉर्न स्टार्च के जो आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं बताऊँगा मैं। 10 मिनट कीजिए रेसिपी खत्म करनी है। चलो अब नरम वाली सब्जी डाल देते हैं, ठीक है जी। और 2 मिनट और थोड़ा सा डिंग डोंग करेंगे इसको। ये डिंग डोंग मतलब हिलाएंगे थोड़ा सा। अब तो सब समझते हैं यार, हैं, कि रणवीर ऐसा ही है और रणवीर उस चीज़ का पूरा फायदा उठाता है। बस ये लो जी सब्जी छान लेते हैं एंड मामला इज रेडी। गरम गरम सब्जी आ गई हमारी। ये लो जी थोड़ा नमक है, थोड़ा कॉर्न स्टार्च। गरम गरम में क्या है ना, मैंने बोला ना कॉर्न स्टार्च पकड़ लेगा एकदम, बराबर कोट कर लेगा। और यहाँ पर अगर आप चाहें थोड़ा जिंजर गार्लिक का जूस भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी, जूस भी, पेस्ट डाल देते हैं थोड़ा सा। अब यही आप, ये अगर आपको इतने लंबे लंबे नहीं काटने थे, इतना फैशनेबल नहीं बनना था, तो आप इसको डाइस भी कर सकते थे, हैं, और डाइस करके भी फटाफट निकाल सकते थे। हमने कहा यार थोड़ा आज कुछ डिफरेंट करते हैं लाइफ में, इसलिए हमने लंबे लंबे काट दिए। कोटिंग देखिए आप, गरम गरम सब्जी निकालने का जो फ़ायदा है वो ये है कि कैसे कॉर्न स्टार्च ने देखिए बराबर से पकड़ लिया। जब आपका बैटर जो है ढल जाए ना, तो नीचे कॉर्न स्टार्च बैठना नहीं चाहिए। अगर कॉर्न स्टार्च नीचे नहीं बैठा है तो ठीक है, अगर बैठ गया थोड़ा मैदा और डालिए और थोड़ा और ढाल दीजिए उसको, राइट। इसका मतलब प्रोपोर्शन कॉर्न स्टार्च का ज़्यादा है अगर कॉर्न स्टार्च सेटल हो रहा है तो, ये भी बता दिया मैंने। अब इसको करना है क्रिप्सी। क्रिप्सी करने के लिए तेल और सोडा मिक्स किया, ठीक है जी, इसलिए दोनों डाल रहा हूँ मैं। तेल क्यों क्रिप्सी करता है? तेल जो है वो सरफेस टेंशन कम कर देता है, और सोडा भी क्रिप्सी करता है। सोडा जो है वो हवा भर देता है। ये लीजिए बबल आने लग गए ना, मतलब सोडे ने अपना काम शुरू कर दिया। इसको ना जापानीज में बोलते हैं टेम्पुरा, हैं। मुझे याद है मेरा पहला जो जॉब क्या था, मतलब ऐसे ट्रेनिंग कर रहा था मैं अलाहाबाद में सन 1996 में। उस समय टेम्पुरा जो है वो नई नई चीज़ थी। अब हम लोग की आदत होती है हर चीज़ को अपने हिसाब से नया नया नाम देने की, तो होटल स्टाफ ने टेम्पुरा का नाम रखा था तानपुरा। अब हमें भी नहीं पता था कि भाई टेम्पुरा क्या होता है, तो हम नए नए गए वहाँ पर और बोले बेटा एक काम करो, चलो एक तानपुरा लगा दो। हम बड़े परेशान, हमने कहा तानपुरा लगाने के लिए तो हमने नौकरी नहीं करी भाई। अरे बोले तुमको नहीं पता तानपुरा क्या होता है अलाहाबाद में? बोले ये होता है तानपुरा, देखो सब्जी लो ऐसे अरारूट के बैटर में तल लो। तो तब से मैं जब भी टेम्पुरा बनाता हूँ मुझे वो तानपुरा याद आ जाता है, खाना शाम होटल अलाहाबाद वाला। 1996 में टेम्पुरा इतना फैशन में भी नहीं था ना, और मैं एक महीने तक जेन्युइनली ये सोचता था कि तानपुरा कोई डिश भी होती है। फर्स्ट ईयर था मेरे कॉलेज का, नहीं सेकंड ईयर था मेरे कॉलेज का, तो मुझे लगा कि यार होती होगी कोई डिश तानपुरा। बाद में थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी तो बोले नहीं भाई नहीं होती, तानपुरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और टेम्पुरा जो है वो डिश होती है। ये थी हमारी तानपुरे की कहानी, अलाहाबाद के खाना शाम होटल की जवानी, ठीक है। एक फेयर मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स डालिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आलू ज़्यादा या गाजर ज़्यादा। और हमेशा याद रखिए डबल फ्राई करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आएगा, राइट। तो इसलिए डबल फ्राई करने की गुंजाइश रखिएगा, पहली बार में ही ज़्यादा फ्राई मत कर लीजिएगा। और मीडियम आँच जो है ना वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आँच धीमे हो रही है तो बीच में तेज़ कर लें उसको, कंसिस्टेंटली मीडियम हीट। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, हमने एक अनार से दो बीमार कर दिए, है ना। एक तरकीब से हमने दो लिफाफे खोल दिए, मतलब समझिए ना आप। एक तो आप टेम्पुरा बनाना सीख गए, ऊपर से आप वेज क्रिप्सी बनाना सीख गए, तो ये दोनों लिफाफे हमने खोल दिए आपके। अगर आप इस स्टेज पे निकाल लेंगे तो तानपुरा है उर्फ टेम्प्यूरा है। और अगर आप उसको अभी जैसे हम आगे एक सॉस बना के उसमें टॉस करेंगे तो भेज क्रिप्सी है, ठीक है ना। क्या माइक क्रिप्सी वाली आवाज़ सुन सकता है?
माइक वाले बोल रहे हैं, सुन सकता है। और ये ठंडा हो चुका है, तो इसको अगर हम डबल फ्राई करेंगे, सोचिए ऐसी क्रिप्सी आवाज़ होगी कि माइक वालों को जो है कान ही क्रिप्सी हो जाएंगे एकदम। कैसे बताए कि ये हुआ क्या है, अच्छी खासी टीम थी अपनी, फिर ये हुआ क्या है। देखा, तेल गर्म होने का फायदा, इसको आप एक साथ फ्राई कर सकते हैं। सब्र का फल क्रिप्सी होता है, ये नया है मार्केट में। सब्र का फल क्रिप्सी होता है, ये देखिए सब्र का फल जो है वो तला जा रहा है, और इसी झन्नाटेदार आवाज वाला क्रिप्सी बनेगा ना, ये झनझनाहट हो जाएगी आपको, तानपुरे की तरह नहीं बजे ना अगर आपके कान। देखिए हंसते खेलते खाना, देखो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सारा कुछ हमने बनाना होता है यहीं पे खड़े खड़े, तो अभी आदमी करेगा क्या, बातें कर लेता है, ऐसा तो है नहीं कि पीछे से कुछ बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए मेरी बातें जो हैं चलती रहती हैं। वेखो तानपुरा, बज रहा ना तानपुरे की तरह है, ये देखिए, इसे कहते हैं तानपुरा, सब्ज तानपुरा, एकदम हार्ट एंड क्रिप्सी। अभी वो करें, अब निकालें क्रिप्सी वाली आवाज, क्या रेडी हैं आप? हुई झंझनाहट। उसके अंदर शेजवान सॉस, ये बस, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे वरना जो क्रिप्सी है सब खत्म हो जाएगा मामला। तानपुरा बचता रहना चाहिए भाइयों और बहनों, मतलब कड़छी से भी कर सकते हैं, ऐसे शो ऑफ कर रहा हूं मैं। हाँ मतलब ये नहीं कि रणवीर हम ऐसे टॉस नहीं कर सकते तो बनाएंगे नहीं, वो बहाना भी नहीं चलेगा। और तुरंत बगैर समय बर्बाद करते हुए पहाड़ लगाना शुरू कर दें। कुछ खाने में ना फुर्ती चाहिए होती है, फुर्ती, और चाइनीज खाने में फुर्ती इसीलिए चाहिए होती है कि टेक्सचर्स का खेल है सारा। मुझे लगा आप लोग चले गए इसलिए ऊपर देखा, मैंने कहा है ना सब। बाकी मेरा प्रिय मित्र धनिया एक फॉर्म में तो जा चुका है ऑलरेडी, है कि नहीं, वो डंडी के फॉर्म में, तो ऊपर से भी डालना चाहे डाल सकते हैं, अपना प्रिय मित्र है, जितना आप डालें। भैया गरम गरम में खाओ, बेसिकली क्रिप्सी के ऊपर मिर्ची का तड़का, मोटा मोटी कहानी यही समझा। अब एक काम करिए, क्रिप्सी बनाइए, तड़का लगाइए। थैंक यू वेरी मच, मुझे झेलने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया, वीडियोस शेयर करने के लिए शुक्रिया, लाइक करने के लिए शुक्रिया, आपके कमेंट्स फीडबैक्स के लिए शुक्रिया, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया, और लोगों से ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाने के लिए भी शुक्रिया। बाकी थैंक यू वेरी मच, आता रहूँगा, बनाता रहूँगा, होपफुली थोड़ा बहुत हंसाता रहूँगा, क्योंकि हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है।